प्रिय छात्रों, हम इसे पहले पढ़े थे कंजक्शन के संबंध में। उसके दो काइंड्स होते हैं और इसके यूज के ऊपर में अधिक प्रकाश नहीं डाल पाए थे। आज हम उसे किस किस प्रकार के कंजक्शन का क्या नाम है इसका वर्णन करेंगे और इसके बाद किस प्रकार और कैसे क्यों यूज होता है इसका प्रयोग इसके अगले क्लास में करेंगे। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने का काम करता है, वो कौन कौन है? वो है एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो एज, नॉट ओनली, एज वेल एज, आइदर, और, नाइदर, नॉर, बोथ, एंड, नो लेस देन, अदरवाइज, एल्स, स्टिल, व्हाइल, वेयर एज। ये सिर्फ स्वतंत्र वाक्य को जोड़ता है, इसलिए हमको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके रूल अधिक नहीं है, कहाँ होता है, क्यों होता है, अपने कथन के मुताबिक हम इसको यूज करते हैं। दिक्कत करता है सबोर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं। सबोर्डिनेट कंजक्शन अधिक दिक्कत करता है। सबोर्डिनेट का मतलब हुआ जो पहले वाक्य को यानी प्रिंसिपल क्लाउज को दूसरे क्लाउज से जोड़ता है, यानी एक क्लाउज का रिजल्ट परिणाम कारण दूसरे पर रहता है, उस वाक्य को जोड़ने वाले कंजक्शन को सबोर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। और वो है एज, बिकॉज, सिंस, इट, दो, ऑल्दो, दैट, बिफोर, आफ्टर, स्टिल, अनलेस, वेदर, लेस्ट, एज इफ, इन केस, सो दैट, सो लॉन्ग एज, विच, व्हेन, एज, दो। सुविधा के हिसाब से हम इसको क्या समझेंगे और कैसे समझेंगे ये हम अलग कर चुके हैं, वो देख लीजिए एक बार, उसको ध्यान देने की जरूरत है। वो है कंजक्शन ऑफ टाइम। जो समय का बोध कराता है उसे हम कंजक्शन ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे बिफोर, बिफोर हम समय के लिए ही करते हैं, तो बिफोर जहां आएगा उसको हम डैश देकर लिखेंगे कंजक्शन ऑफ टाइम। आफ्टर, 2 बजे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स, ऐसा करते हैं तो टाइम के लिए आया। इसी तरह सिंस, टिल, स्टिल, एज सून एज, विच, व्हाइल, सो लॉन्ग एज, व्हेन, व्हेन एवर। नेक्स्ट में आ जाइए कंजक्शन ऑफ रीजन। किसी प्रिंसिपल क्लॉज का कारण दूसरे क्लॉज पर रहता है तो उसको हम रीजन कहते हैं। वो है बिकॉज, आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो बिकॉज रीजन का काम किया, इसलिए इसको रीजन, कंजक्शन ऑफ रीजन कहेंगे। ये बड़े कारण जो हमें मालूम है उसके लिए यदि हम लगाते हैं तो उसको कहते हैं रीजन। सिंस, एज, ठीक इसी तरह से कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। किसी वाक्य के किसी खंड को का परिणाम दूसरे पर पड़ता है तो उसका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट कहते हैं। सो, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर, दैट। अब जैसे देखिए, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यहां पर हो गया रिजल्ट, तेज दौड़िए अन्यथा ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए, तो रीजन हुआ, कमजोर से चलने का कारण हुआ, तो इसलिए इसको कहते हैं, इस प्रकार के कंजक्शन को कहेंगे कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। कंजक्शन ऑफ कंडीशन, एज इफ, इफ, अनलेस, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, यू कैनॉट सिक्योर गुड मार्क्स अनलेस यू लेबर हार्ड, तो ये हुआ कंडीशन। इस कंडीशन पर में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसलिए इसको कहेंगे कंजक्शन ऑफ कंडीशन। कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट, किसी फर्स्ट वाक्य प्रिंसिपल वाक्य को दूसरे वाक्य से यदि विरोधाभास बताते हैं, वो है ऑल्दो, दो, हाउएवर। कंजक्शन ऑफ कंफ्यूजन, एज। कंजक्शन ऑफ मैनर, अकॉर्डिंग टू, आई हैव टू डू माय वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के मुताबिक हमें अपना काम करना है। इस प्रकार से ये आपको कंजक्शन फिल द ब्लैंक्स करने में या करेक्शन करने में, अगर टाइम के संबंध में बोझ होता है तो इसमें से कोई ना कोई आएगा, रीजन के संबंध में व्यक्त करना है
इसमें से बिकॉज इसमें से कोई आ गया, इस तरह से रिजल्ट कंडीशन कंट्रास्ट या अकॉर्डिंग के रूप में यदि करने हैं तो इस प्रकार से हम चुनेंगे और आसान होगा, एकदम आसान हो जाएगा, आपको दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद अब हम अलग अलग तरीके से किस वर्ड का प्रयोग कहाँ और क्यों होता है हम इसका वर्णन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।